की बड़ी खबर। जयपुर में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, सात पकड़े। फिर से राजपूताना लीग खुलकर चला सट्टा बाजार। केएल सैनी स्टेडियम में आयोजित राजपूताना क्रिकेट लीग मैच फिक्सिंग के विवाद में उलझ गई है। जयपुर क्राइम ब्रांच ने बुधवार रात क्रिकेट लीग में मैच फिक्सिंग को शिकायत पर मानसरोवर में न्यू आतिश मार्केट और सी स्कीम स्थित दो होटल में छापा मारा है। पुलिस को आशंका है कि मैच फिक्सिंग की शिकायत पर मानसरोवर में न्यू आतिश मार्केट और सी स्कीम स्थित दो होटल में छापा मारा गया था। पुलिस को आशंका थी कि मैच फिक्सिंग के इस खेल में कुछ खिलाड़ी और अंपायर शामिल है। प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर पुलिस ने अब तक करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया है। डीसीपी क्राइम विकास पाठक ने बताया, जयपुर में आयोजित राजपूताना जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को शिकायत दी थी, इसके बाद कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक ने खुलासा किया है कि मैं भी था कभी शामिल, अब काम छोड़ दिया हूँ। मिली जानकारी के मुताबिक मैच फिक्सिंग का खुलासा होने के बाद अब एक शख्स सामने आया था। उसने पहचान छुपाने की शर्त पर बताया कि साथी था, हालांकि अब काम छोड़ दिया है। सटोरिया वॉकी टॉकी की मदद से मैदान में मौजूद लोगों में संपर्क में रहकर मैच फिक्स करते थे। किसको जिताना है या हराना है, यह सब मौजूद स्क्रीन के पीछे खड़े सटोरिया तय करते थे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब